अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी चमन। एक बंडल मैंने मेथी ली है, मेथी की भाजी, और एक बंडल पालक ली है। अब इसको मैंने धो दिया है, तोड़ दिया है। इसको अभी ढककर लो फ्लेम पे पकाएं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद ढक्कन खोल दें, इसको ठंडा करके पीस लें। तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 225 ग्राम पनीर। इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हो, 400 ग्राम भी आप डाल सकते हो। अब इनको फ्राई करें, मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ, आप चाहो तो बगैर फ्राई किए ही डाल सकते हो। अब ये गोल्डन हो चुके हैं दोनों तरफ से, अब इनको निकाल लेंगे। हाफ कप मैंने पनीर तला हुआ तेल लिया है, तेल गरम कर दिया। 2 टीस्पून इसमें जीरा डाल दिया, 2 दालचीनी के टुकड़े डालें, 2 चुटकियां हींग डालें जिससे कि अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें डालें 2 मीडियम साइज कटी हुई प्याज। आधा टीस्पून नमक डालकर प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करें हाई फ्लेम पे। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है, अब इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालें। अदरक लहसुन पेस्ट को लाल होने तक फ्राई कर लें हाई फ्लेम पे। अदरक लहसुन पेस्ट लाल हो चुका है, अब इसमें 2 मीडियम साइज कटे हुए टमाटर ऐड करें। एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करें। 1 मसाले को भून लें टमाटरों के गलने तक। नमक डालें टेस्ट के हिसाब से, मिक्स करें। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालें। फ्लेम को लो करके मसाला भून लें। 1/2 कप हरा धनिया कटा हुआ ऐड करें, मिक्स करें। अब इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करें। एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर मैंने ऐड कर दी है, अब मसाले को भून लें टमाटरों को मैश करते हुए। ¼ कप दूध डालें, मिक्स करके भून लें। आधा नींबू निचोड़ें। मिक्स करें।
मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें पिसी हुई मेथी और पालक ऐड कर दें। थोड़ा सा पानी घोलकर भी ऐड कर दें। फ्लेम को हाई करें और एक बॉईल ले लें। वन फोर टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करें, मिक्स करें। अब इसमें फ्राई की हुई पनीर ऐड करें। पनीर यहाँ मैंने फ्राई की है, आप चाहो तो बगैर फ्राई किए भी इनको ऐड कर सकते हो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। 2 टेबलस्पून इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करें। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद मिक्स करें। अब इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करें जिससे कि अच्छा फ्लेवर आएगा। मिक्स करें। नमक कम लग रहा है, इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूं। मिक्स करें। अब इसको ढककर रखें सिम पर 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद ये बिल्कुल रेडी है, गैस ऑफ कर दें। मेथी चमन तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।